हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था और आपको ये बताया था कि जो रेडियस रेशियो है वो क्या है, कैटाइंस और एनाइंस की रेडियस का रेशियो है, जिसमें कैटाइन जो है जनरली स्मॉल साइज का होता है और एनाइन बिगर साइज का होता है। तो उसका रेडियस रेशियो जो निकल के आता था उसके बेस पे हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बता देते थे और उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते थे। और हमने बताया था किसी पर्टिकुलर टाइप की वॉइड में अगर कैटाइन बिल्कुल फिट आ रहा है तो रेडियस रेशियो की रेंज जो होगी वो मिनिमम होगी, और जब कैटाइन का साइज बढ़ेगा, एनाइन दूर दूर होंगे, तो एक लिमिट तक वो रेडियस रेशियो जाएगा। उसके बाद उसमें जब नया एनाइन इंट्रोड्यूस हो सकता होगा तभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो वो रेंज क्या है, वो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो कल हमने आपको बता दिया था। और ये बताया था कि रेडियस रेशियो जो था अगर उसकी वैल्यू आपकी 0.155, कितनी, 0.155 से लेके 0.225 तक है, तब उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अराउंड कैटाइन कैसा होगा, ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगा। इस बात का हमने डिस्कस कर लिया था। मतलब यह हुआ कि अगर ये ट्राइंगुलर वॉइड है और इस ट्राइंगुलर वॉइड में ये जो कैटाइन आ रहा है अगर वो परफेक्टली इन कैटाइन इन परफेक्टली एनाइन से टच कर रहा है तब उसका रेडियस रेशियो कितना निकल के आना चाहिए, 0.155। और अगर ये एनाइन कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो एनाइन एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होने लगेंगे, और वो कितना तक दूर हो सकते हैं, वो इतना तक दूर हो सकते हैं कि जब रेशियो जो है रेडियस रेशियो 0.225 तक, मतलब यहां तक हो जाए तब तक ये कैटाइन इसमें फिट हो सकता है। और जब ये 225 पर पहुंचा वैसे ही इसमें एक आपके चारों ओर और एनाइन एक्मोडेट हो जाएगा और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, अगर ये रेडियस रेशियो 0.225 से कितना हो, 0.414, उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। किसकी ज्योमेट्री, कैटाइन के चारों ओर जो एनाइंस हैं उनके सेंटर को मिलाने पर जो ज्योमेट्री मिल रही है वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में एनाइन होंगे। और अगर यही रेशियो 0.414 से 0.732, तब कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उस समय अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। और यही 0.732 से 0.999 या 1 के करीब हो जाएगा, उस समय इसमें 8 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और ये हो जाएगा बीसीसी। ये बात आपको बताया था मेनली, हालांकि ये भी बताया था कि ये 1 है और ये आपका आयनिक कंपाउंड्स के लिए जनरल यही है, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट में आपकी वैल्यू जो है रेडियस रेशियो की 1 आती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, वो मेटल्स के लिए होता है, उसमें एचसीपी या सीसीपी अरेंजमेंट होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में मेनली यही आपका रेडियस रेशियो निकल के आता है। तो हमने ट्राइंगुलर वॉइड के लिए बताया था कि मिनिमम आपका रेडियस कितना होना चाहिए, 0.155। इस पर ये आपकी वॉइड में जो कैटाइन है वो परफेक्टली फिट आएगा, और जैसे जैसे ये कैटाइन का साइज बढ़ेगा एनाइन से एक दूसरे से दूर होंगे। और कितना बड़ा तक कैटाइन आ सकता है, इतना बड़ा कैटाइन आ सकता है जिसका रेशियो जो है 0.225 तक हो जाए।
तो हम वही देखना चाह रहे हैं कि ये 0.155 परफेक्टली अगर फिट आ रहा है तो ये 0.155 कैसे आया। एक हम आपको यहां पर एक्सप्लेन करके डेरिवेशन करके बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप और भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, कैसे ये 0.155 आया, तो इसको देखना है। तो देखिए हमने तीन आपके एनाइंस यहां पर शो किए हैं, ये आपके 1, 2, 3 एनाइन है। इन एनाइंस के सेंटर को हमने मिलाया तो ये ट्राइगोनल बना, ट्राइंगल बन गया। इसके बीच में जो खाली जगह है दैट इज वॉइड, और इस वॉइड में मान लीजिए एक ये आपका कैटायन आ रहा है जो परफेक्टली फिट है, वो सभी एनाइंस को टच कर रहा है। इस समय हम ये जो ट्राइगोनल तैयार करेंगे वो कैसा होगा, इक्विटोरियल ट्राइंगल होगा, इनकी सारी एजेस एक जैसी होंगी। अब यहां को हमने बाइसेक्ट करते हुए लाइन खींची तो आपका ये इसके मिडिल से होता हुआ छोटा ट्राइंगल, वैसे ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 120 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 होगा, ये भी कितना होगा 30 होगा। हम इस पॉइंट को जो आपका कैटाइन है इसका सेंटर पॉइंट क्या मान लें, डी मान लें, और इसको यहां नीचे मिलाएंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहां ये पॉइंट कौन सा है, ई है, तो हमने इस ट्राइंगल को ये अलग से बना लिया है ए ई और डी, ए ई एंड डी। इस ट्राइंगल में देखिए यहां से यहां तक ये बिगर साइज का जो स्पीयर है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है, और जो बीच में कैटाइन आ रहा है उसकी रेडियस क्या मानी है, स्मॉल आर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही हमने लिख दिया है एडी इक्वल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ए से यहां तक की डिस्टेंस एई कितनी होगी, एई होगी आपकी आर, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। और अब ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो बेस है वो कितना है, कैपिटल आर है, हाइपोटेनस कितना हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। तो अब यहां पर आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये पी परपेंडिकुलर बी बेस, पी परपेंडिकुलर और एच क्या है हाइपोटेनस, ये आपका किसके लिए होता है साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसके लिए होता है कॉस के लिए, ये किसके लिए होता है टेन के लिए। ऐसे नीचे चलेंगे तो ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है, ये कोसेक। कॉट के लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए क्या होगा, मैथमेटिक्स में ये सारा आपने पढ़ रखा होगा। तो हम यहां पर एडी ये आपका हाइपोटेनस है और ये एच हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि बेस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस आपका है ए ई अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए डी, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा के लिए, तो कॉस 30 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कॉस 30 की वैल्यू, बेस कितना है, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस आपका आ रहा है स्मॉल आर अपॉन हाइपोट, ये बेस हो गया स्मॉल वो कैपिटल आर, और ये हाइपोटेनस कितना है आर प्लस आर, इक्वल हो गया आपका कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो ये आ गया √3/2। अगर हम इसको अपोजिट उलट दें तो स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इक्वल कितना हो जाएगा 2/√3। इसको डिवाइड करिए तो आर से आर 1 हो गया प्लस आर अपॉन आर इक्वल आ गया 2 अपॉन
रूट थ्री की वैल्यू आपको पता होगी 1.732। तो ये रूट थ्री की वैल्यू रख दी 1.732। तो ये आपका जब हम डिवाइड करेंगे 1.732 से 2 तो ये आता है 1.1547 अप्रोक्स आता है। तो R अपॉन R कितना हो गया, ये माइनस 1 इधर कर देंगे तो 1.155 कर लें हम, 7 को हटा के ये अप्रोक्स 5 कर लें तो माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 0.155। तो ये रेडियस ऑफ कैटाइन है, ये रेडियस ऑफ एनाइन है। तो कैटाइन और एनाइन की रेडियस का रेशियो कितना निकल आया 0.155। तो इसीलिए हमने बताया था कि मिनिमम रेंज जो है वो कितनी होती है 0.155। इसी तरह से हमारी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम रेंज निकल के आती है, वो निकल के आती है 0.225। ये ट्राइगनल के लिए है 0.155। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम रेंज, मिनिमम रेडियस रेशियो ये निकल के आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 आता है, और बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में जो वॉइड बनती है उसके लिए निकल के आता है 0.732। इसीलिए यहां से यहां तक 225 तक ये ट्राइगनल वॉइड में कैटाइन फिट होने वाला रेशियो है, ऐसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड में मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, और बीसीसी में यहां से लेके कहां तक होता है 1 तक होता है। तो ये आपका रेडियस रेशियो याद रखना है। इसी तरह से हम अदर तरह की जो वॉइड्स है उसके लिए रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को पूछना कि ये वैल्यू आती कहां से है, तो ये वैल्यू इस तरह से हम मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं। तो इसको आप फटाफट जो है नोट करिए, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आगे आपको बता देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। जल्दी से करिए, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो कि रेडियस रेशियो पर डिपेंड करती हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी पूछी जाती हैं। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस रेडियस रेशियो पे नहीं पूछी जाती हैं, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, इस तरह के आपकी वॉइड है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं। तो हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर वन आपकी जो है वो क्या है, देखिए प्रॉब्लम वन ये कहती है प्रिडिक्ट द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ए बी इन विच रेडियस ऑफ कैटाइन इक्वल 148 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एनायन इक्वल 195 पिकोमीटर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर
व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड ए बी टाइप का है जिसमें कैटायन का रेडियस ये दिया है, एनायन का रेडियस ये है, तो ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का क्या होगा। तो आपको बताया था कि अगर हम रेडियस रेशियो निकाल लें और फिर ये देखें कि वो रेडियस रेशियो किस रेंज के लिए आ रहा है, तो उससे हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिल जाएगा और उसका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का टाइप भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। गिवन रेडियस ऑफ कैटायन आर प्लस 148 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनायन ये कितना दिया है 195 पिकोमीटर। क्या निकाल लेंगे आप? रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो क्या होगा, आर कैटायन अपॉन आर एनायन, ये आ गया 148 अपॉन 195। इसको जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर से करे लेते हैं हम। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 148 डिवाइड बाय 195, देन यू गेट 7589। इसका मतलब हो गया 0.759, ये आ रहा है 0.759। अब बताइए ये 0.759 आ रहा है तो ये किस रेंज में है? ये आपका है, दिस इज द रेंज 0.732। इसका रेडियस रेशियो का जो रेंज है वो है 0.732 से 1 के बीच में। और इस तरह के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था 8, और इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? बीसीसी अरेंजमेंट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम रेडियस रेशियो निकालें और ये देखें कि वो किस रेडियस रेशियो रेंज में आ रहा है। तो आपका 759 आ गया, सिंस रेडियस रेशियो इज इन रेंज 0.732 to 1, देयरफोर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। और अरेंजमेंट कैसा हो गया? अरेंजमेंट हो गया बीसीसी। जल्दी से इसे नोट करिए, दूसरी एक प्रॉब्लम फिर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन 2 देखिए, इफ द क्लोज्ड पैक्ड कैटायंस इन एन ए बी टाइप सॉलिड विद एनएसीएल स्ट्रक्चर हैव रेडियस ऑफ सेवेंटी फाइव पिकोमीटर, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ एनायंस
फॉर फिलिंग द वॉइड्स. देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है. इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आपका कोई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है और वो किस टाइप का है. एबी टाइप का है और एनएसीएल टाइप. एबी मतलब कैटाइन एनाइन का रेशियो 1:1 है और एनएसीएल टाइप का उसका स्ट्रक्चर है जिसमें कैटाइन की रेडियस कितनी है 75 पिकोमीटर है. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ एनाइंस. अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम साइज एनाइन के क्या होंगे. देखिए जब कैटाइन का साइज मिनिमम होता है, जब कैटाइन का साइज मिनिमम होगा तभी एनाइन के साइज कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे. तो ये पूछ रहे हैं साइजेस ऑफ एनाइन फॉर फिलिंग द वॉइड्स. तो आपने क्या रेशियो देखा है फॉर क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनएसीएल टाइप. एनएसीएल टाइप के लिए जो रेडियस रेशियो निकल के आता है आर प्लस और आर माइनस का, वो कितना आता है 0.414 से 0.732. तो मिनिमम साइज कब होगा एनाइंस का, जब इनका रेशियो जो है रेडियस रेशियो मैक्सिमम होगा. तब क्या होगा, जब कैटाइन का साइज मैक्सिमम होगा तब एनाइन का साइज कैसा होगा, मिनिमम होगा. तो फॉर मिनिमम साइज ऑफ एनाइन क्या होगा, आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल होगा 0.732. आर प्लस की वैल्यू, कैटाइन का साइज जो है 75 है तो 75 अपॉन आर माइनस इक्वल 0.732. तो आर माइनस रेडियस ऑफ एनाइन कितना हो जाएगा 75 अपॉन 0.732. 75 डिवाइड बाई 75 को डिवाइड करिए 0.732 से तो ये आपका आ रहा है 102.5. कितना आ रहा है 102.5 पिकोमीटर. तो ये एनाइन का क्या साइज हो गया, मिनिमम साइज हो गया 102.5 पिकोमीटर. ऐसे ही मैक्सिमम साइज कब आएगा, जब कैटाइन का जो रेशियो है कैटाइन एनाइन का वो मिनिमम होगा. फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ एनाइन क्या हो जाएगा, कैटाइन एंड एनाइन का रेशियो आएगा मिनिमम 0.414. तो कैटाइन का जो साइज है वो 75. भाई कैटाइन का साइज यहां पर फिक्स है, कितना है 75. तो आपका कैटाइन का साइज जब फिक्स है और ये रेशियो में अगर हमें देखना है एनाइंस किस साइज तक के आपके आ सकते हैं, तो आपका कैटाइन का साइज जो है 75 आप रखते हुए एनाइन का कम और ज्यादा साइज आप देख सकते हैं, कितने कम और कितने ज्यादा उस रेशियो में आ सकते हैं. तो रेडियस रेशियो डिपेंड किसके पे कर रहा है, एनाइन के साइज पे कर रहा है, क्योंकि कैटाइन हमने फिक्स कर लिया है. तो एनाइन 0.414, तो एनाइन का साइज हो जाएगा 75 अपॉन 0.414. इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.414 से
तो 181.2 पिकोमीटर आ रहा है। इसका मतलब R माइनस मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा 181.2 पिकोमीटर। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि एनआई कैटाइन का साइज फिक्स कर लिया कि कैटाइन का साइज तो वही रहेगा, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम साइज के एनायंस कौन से होंगे जिसमें ये आपका फिट आएगा। तो देखिए ये जो रेंज आएगी जब ये चीज फिक्स है तो ये आपका जो रेंज बन रही है वो किस पे बनेगी, जब एनायन का साइज चेंज होगा। तो एनायन का साइज मिनिमम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, और मैक्सिमम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मेनली जो आपको टेबल बनाई है रेडियस रेशियो की उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये आपका सॉलिड स्टेट का पोर्शन फिनिश हो गया, क्लोज पैकिंग वाला। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर स्टडी करेंगे जिसमें इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स आता है। तो ये आप जो आज का लेक्चर है इसको देखने के लिए पहले इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए और ये दोनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी क्लोज पैकिंग पूरी होती है यहां पर। थैंक यू।